हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में, न्यू एक जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे किस तरीके से आपकी राशन कार्ड में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर गलत अपडेट है, तो इस काम को आप आसानी से आपकी स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपडेट या सुधार या करेक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी की कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा सेम प्रोसेस को आप अपना मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लीमेंट ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको इसी साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो नेक्स्ट आपको थोड़ा सेलेक्ट डाउन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इन व्यक्ति का जो नाम है राशन कार्ड में है रियाजू रॉय, और यहाँ पर आधार कार्ड में है राजू रॉय। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेस्टिफाई अपडेट, रेस्टिफाई योर राशन कार्ड डिटेल्स, तो क्लिक हियर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंटर राशन कार्ड, तो जिस व्यक्ति की राशन कार्ड में आपको अपडेट या सुधार करना है उस व्यक्ति के राशन कार्ड नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। राशन कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन कार्ड डिटेल्स, सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति का नाम गलत है यहाँ पर रियाजू देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जेंडर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, अपना जो फैमिली मेंबर का हेड है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपका जो एड्रेस है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन व्यक्ति का नाम चेंज करना है, नाम में सुधार करना है, अपडेट करना है, इसके लिए हम नेम ऑप्शन पर हम चेकआउट करेंगे। नेम बॉक्स पे चेकआउट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर बॉक्स में दोबारा से चेकआउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ओटीपी को आपको इस ओटीपी बॉक्स पर इंटर करना है, और यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको इंटर करना है ओटीपी। इसके बाद जिस व्यक्ति का राशन कार्ड है उस व्यक्ति का यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर नेम, पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आधार कार्ड में जो नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको यस और नो करना है। अगर आपको चेंज करना है तो यस बटन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है योर डाटा सक्सेसफुली अपडेट, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपकी राशन कार्ड में आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर चेंज करने का प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा चेक करके कि हैंड टू हैंड अपडेट हो जाता है या नहीं। तो लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे हम सेलेक्ट डाउन करेंगे, यहाँ पर हम लिंक राशन कार्ड विद मोबाइल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर हम इंटर करेंगे, बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड में नाम है सेम नेम यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर अपडेट हो चुका है, साथ के साथ यहाँ पर आपको नाम चेंज हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हूँ कि आपकी राशन कार्ड में आप किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, वो भी इजीली हैंड टू हैंड आपकी राशन कार्ड में अपडेट हो जाएगा। सो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था, आई होप जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ।